हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इजी और परफेक्ट तरीके से 30 साइज की ब्लाउज की सिलाई करना बताऊंगी। इस ब्लाउज की कटिंग की वीडियो मैंने डाल दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आगे का पल्ला है, ये गला है और ये आर्म होल है और ये बेल्ट पट्टी है। सबसे पहले इसमें प्लेट की सिलाई की जाएगी, फिर उसके बाद बेल्ट पट्टी ज्वाइंट की जाएगी। अब मैं आपको इसमें सिलाई करना बताती हूँ। सबसे पहले नीचे वाला प्लेट डाला जाएगा, कपड़े को इस प्रकार मोड़ना है। मोड़ने के बाद ही तिरछी सिलाई की जाएगी इसमें, और नीचे से ये सिलाई आधा इंच ली जाएगी। ये देखिए, मैंने आधा इंच लिया है, इसमें आधा इंच लेकर तिरछी सिलाई करनी है नीचे का प्लेट। और प्लेट की सिलाई करने के लिए थोड़ा थोड़ा सिलाई लिया जाएगा। नीचे का प्लेट डालने के लिए आधा इंच सिलाई में लिया जाता है, और इसके अलावा जो तीन प्लेट पड़ते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सिलाई ली जाती है। ये देखिए, चारों प्लेट मैंने डाल लिए हैं। अब इसमें बेल्ट पट्टी ज्वाइंट की जाएगी। बेल्ट पट्टी इस प्रकार लगाना है, इस प्रकार बेल्ट पट्टी सेट करने के बाद इसमें सिलाई किया जाएगा। मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, सिलाई हो गई है। अब ऊपर के पल्ले को इस प्रकार सीधा करना है। सीधा करने के बाद बेल्ट पट्टी के ऊपर किनारे किनारे सिलाई चलाई जाएगी इसमें। ये सिलाई मैंने कर ली है, ये देखिए। अब ये गला है, अब इधर हुक के लिए आई पट्टी लगाई जाएगी। ये मैंने पट्टी काटी है, इसमें एक तरफ किनारी है और ये 2 इंच छोटी पट्टी है, इसमें इधर साइड किनारी है। इस पट्टी को इस प्रकार रखना है, रखने के बाद इस प्रकार सिलाई चलानी है इसमें। ये देखिए, सिलाई मैंने कर ली है। सिलाई करने के बाद इसको इस प्रकार सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब ये इस प्रकार मोड़ना है इसे। मोड़ने के बाद सिलाई चलानी है इसमें। ये सिलाई मैंने कर ली है। अब थोड़ी दूर पे एक सिलाई और चलाई जाएगी इस पट्टी के ऊपर। यह सिलाई पहली सिलाई से थोड़ी दूरी पर सिलाई चलाई जाएगी। ये देखिए, सिलाई मैंने कर ली है। ये ब्लाउज का लेफ्ट साइड का पल्ला है। अब मैं राइट साइड का पल्ला तैयार करूंगी। ये राइट साइड का पल्ला है, इसमें हुक पट्टी लगेगी। ये गला है और इधर हुक पट्टी लगेगी। ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी काटी है, ये देखिए। इस पट्टी को इस प्रकार रखना है, रखने के बाद सिलाई चलानी है इसमें। ये सिलाई मैंने कर ली है। अब इस पट्टी को खोलना है, इस प्रकार खोलने के बाद पट्टी के ऊपर किनारे किनारे सिलाई चलानी है। पट्टी के ऊपर सिलाई मैंने कर ली है, ये देखिए। अब इसको इस प्रकार करना है, बढ़ी हुई पट्टी काट दी जाएगी। पट्टी को इस प्रकार मोड़ना है, मोड़ने के बाद सिलाई करनी है। मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ।
ये सिलाई हो गई है। अब एक सिलाई इसमें किनारे की तरफ की जाएगी। आगे के दोनों पल्ले मैंने तैयार कर लिए हैं। ये पीछे का पल्ला है, इसमें प्लेट डाला जाएगा। आधा इंच सिलाई लेते हुए तिरछी सिलाई करनी है। दोनों प्लेट मैंने डाल लिए हैं। अब आगे का पल्ला ऊपर कंधे की तरफ जॉइंट करना है। ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिया है इसको। अब मैं इसमें गला बनाऊंगी। इसमें मैं पाइपिंग गला बनाऊंगी। गले में पाइपिंग बनाने के लिए पहले तिरछी पट्टी काटी जाएगी। ये मैंने कपड़ा लिया है, इस कपड़े को इस प्रकार खींच कर देखना है। देखने के बाद जिधर खिंचाव होता है उधर से तिरछी पट्टी काटी जाएगी। मैं इधर से तिरछी पट्टी काट रही हूँ। पट्टी को नाप के देखना है गले में, जितनी पट्टी का यूज होता है गले में उतनी पट्टी काटनी है। ये मैंने 3 पट्टी इसमें काटी है। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगी। पट्टी को इस प्रकार पकड़ना है, पकड़ने के बाद इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए पट्टी मैंने ज्वाइन कर ली है। पट्टी को इस प्रकार मोड़ना है। मोड़ने के बाद गले के ऊपर इस प्रकार रखना है और रखने के बाद किनारे किनारे इसमें खिंचाव देना है। पट्टी को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए सिलाई करनी है। पूरी पट्टी को नहीं खींचना है, ये खिंचाव किनारे किनारे डालना है। ये देखिए इसी प्रकार पूरी पट्टी गले में लगानी है। ये देखिए पूरी पट्टी मैंने लगा ली है। अब मैं आपको पाइपिंग बनाना बताऊंगी। इसमें पाइपिंग बनाने के लिए पहले कपड़े को इस प्रकार मोड़ना है, फिर उसके बाद एक बार फिर मोड़ना है। ये देखिए जितनी मोटी पतली पाइपिंग बनाना हो उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ये सिलाई पाइपिंग के किनारे किनारे की जाएगी। पाइपिंग के ऊपर ये सिलाई नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए इसी प्रकार पूरे गले में पाइपिंग बनानी है।
गले में पाइपिंग लग गई है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी पतली पाइपिंग बनाई है मैंने। अब मैं बाजू लगाऊंगी, ये आर्म होल है, ये बाजू है। सबसे पहले बाजू में आगे सिलाई की जाएगी, ये सिलाई कच्ची की जाएगी, फिर उसके बाद तुरपत किया जाएगा। अब मैं आपको बाजू लगाना बताऊंगी। ये आर्म होल है, ये बाजू है, बाजू में आगे मैंने सिलाई कर ली है और ये आगे कटा हुआ है। आगे कटा हुआ भाग आगे की तरफ रहेगा, इसमें आगे का पल्ला इस प्रकार खोलना है। खोलने के बाद बाजू भी खोलनी है। बाजू में ये सेंटर का पॉइंट है, सेंटर का पॉइंट ये कंधे पर होना चाहिए बीचों बीच। इस सेंटर पॉइंट को इस प्रकार मिलाना है। मिलाने के बाद बाजू को ऊपर से आगे की तरफ इस प्रकार नापना है। ये जहाँ से ये बाजू सेट होती है वहीं से सिलाई करनी है इसमें। ये बाजू मैंने आर्म होल में लगा ली है, अब इसमें डबल सिलाई की जाएगी। डबल सिलाई करने के बाद दूसरी बाजू भी इसी प्रकार लगानी है। दोनों बाजू मैंने लगा ली है, ये देखिए। अब मैं इधर बगल साइड में सिलाई करूंगी। दोनों पल्लों को सीधा करना है, सीधा करने के बाद सीधी तरफ से ही सिलाई करनी है। इसमें ये सिलाई किनारे किनारे की जाएगी। ये देखिए सिलाई मैंने कर ली है। अब इसको पलटना है, पलटने के बाद एक सिलाई और किनारे की जाएगी। ये देखिए मैं उल्टा कर रही हूँ इसको, ये कपड़ा उल्टा हो गया है। होने के बाद अब किनारे किनारे में एक सिलाई और करूंगी। मैं आपको करके दिखा रही हूं। दोनों साइड में इसी प्रकार सिलाई करनी है। ये देखिए सिलाई हो गई है। अब इसमें मैं 1 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई करूंगी और उसके बाद फिटिंग करूंगी। ये सिलाई दोनों साइड में करना है। सिलाई करने के बाद इसमें फिटिंग की जाएगी। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इसकी कमर की फिटिंग करूंगी और बाजू की फिटिंग करूंगी। फिटिंग करने के बाद नीचे कमर पट्टी मोड़ी जाएगी। इसको इस प्रकार मोड़ना है। मोड़ने के बाद इसमें कच्ची सिलाई की जाएगी। ये सिलाई मैं कच्ची सिलाई कर रही हूँ। इसमें तुरपन किया जाएगा। तुरपन करने के बाद कच्ची सिलाई निकाल दी जाएगी। कमर की सिलाई मैंने कर ली है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब पूरे ब्लाउज की सिलाई हो गई है, ये देखिए। ऐसे ही आपको भी अपने कपड़े में सिलाई करनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।